रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी में अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उनकी वेडिंग लोकेशन के बारे में, उनकी वेडिंग लोकेशन पे कितना खर्चा आ रहा है और जिस विला को उन्होंने बुक किया है उसकी रकम कितने की है, यानी कि वो कितने रुपए में बुक होता है और कितने लोगों के लिए। तो उनका जो वेडिंग वेन्यू है वो है विला डेल बाल्बियानेलो, जो कि इटली में स्थित है और इसकी बुकिंग लगभग 8 लाख रुपये में होती है। और गौर करने वाली बात यह है, यह 8 लाख रुपए में सिर्फ कुछ देरी के लिए बुकिंग होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि 80 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए उस लोकेशन पे। हालांकि अगर आप ज़्यादा पैसे देकर चाहें कि आपकी शादी में ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं या फिर आपके फंक्शन में उस वेन्यू पर ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। उस जगह को सिर्फ और सिर्फ 80 लोगों से ज़्यादा के लिए बुक नहीं किया जा सकता, जिसमें दूल्हा दुल्हन पंडित और उनके करीबी रिश्तेदार ही हो सकते हैं। यानी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी पूरी तरह से एक प्राइवेट अफेयर होगी और इसमें कोई भी बॉलीवुड के ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे। हालांकि संजय लीला भंसाली, जो कि दोनों के ही बिल्कुल करीब हैं, और फराह खान, जिनको ब्रेक मिला था, दीपिका पादुकोण को जिन्होंने ब्रेक दिया था, और संजय लीला भंसाली, जिन्होंने दोनों के साथ काफ़ी फिल्में बनाई हैं, ये दोनों इस शादी में शामिल होंगे, ये खबर पक्की है। इससे पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी इटली में शादी करी थी, लेकिन उनकी लोकेशन अलग थी और उन्होंने वो लोकेशन 2 से 3 दिन के लिए बुक की थी, लेकिन रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के पास ये लोकेशन सिर्फ 20 से 22 घंटों के लिए रहेगी या फिर मैक्सिमम 24 घंटों के लिए। हालांकि 8 लाख रुपये कोई रणबीर कपूर और रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के लिए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, क्योंकि बॉलीवुड का कोई स्टार और वो कहे कि 8 लाख रुपये मेरे लिए बड़ी रकम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8 लाख रुपये हम में से बहुत लोगों के लिए भी कोई बड़ी रकम नहीं है, मेरे लिए तो है, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए 8 लाख बहुत महंगी रकम नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा वो दोनों आकर मुंबई और बेंगलोर में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी देंगे, जिसमें बॉलीवुड के लोग, उनके तमाम रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार सभी शामिल होंगे। और उसमें मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं शामिल हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी जुड़े रहिए इसी तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे साथ। जय श्री राम।